लाइन कमांड क्लिक कर लाइन खींचो। देखो टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, F8 दबाओगे तो स्ट्रेट चलेगी ये ओरिजिनल। F8 दबा के रखना है कैसे? नहीं सिर्फ क्लिक कर दो बस, हो गया चल नहीं रहा वो, नहीं हुआ। F8 यहाँ से दबाओ, नहीं होगा F8। देखो ये वाला ऐसा है, ये आ रहा होगा ऑटो, क्लिक कर दो बस। देखो अब लाइन सीधी चलेगी, ये जब भी चलाओगे कहीं भी लाइन खींच लो। ठीक है एक तो लेआउट बना दूँगा, कर सिर्फ दो लाइन खींचनी है बस, ऑरिजिनल वर्टिकल। ऊपर क्यों घूस रहे हो? अरे इसको इसको और को घुमाओ, छोटा बड़ा हो जाएगा, नहीं हो रहा ना अभी, कोई बात नहीं करो करो, इस कहीं भी खींच रहे हो ना लाइन यार। ठीक है बस, हेलो जिम कहाँ है? डेरी डेवलपमेंट। हाँ जी हो जाएगा ना, बढ़िया जी बताइए। जी जी जेड ई डबल एन डबल एन सर, उसके लिए हमारे को ओरिजिनली मिल गई है, ड्राइंग मंगाई है, डिटेल करके ना उसका काम शुरू करवाने वाला है। मैंने उस दिन फोन तो किया था आपको, आपका फोन अब हुआ है? हाँ हाँ जी हाँ जी, कल आर्किटेक्ट विजिट करके गया है। ठीक है मैं उसको वर्क कर रहा हूँ। इसकी कमांड और से डिफरेंट है जी, इसे फोटोशॉप में कंट्रोल प्लस कर देगा जूम हो जाएगा। कितने फिट तक रहेगा? मैं ड्राइंग आ रही है, ड्राइंग आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। वैसे यहाँ तक मेरा अंदाजा आया कि जितनी बड़ी बालकनी है आपकी अप्रोक्स उतना आएगा। जो सिंबल्स होते हैं वो क्या हमें इंपोर्ट इसमें इंसर्ट करने पड़ते हैं? ऑलरेडी होते हैं, ये तो प्रोजेक्शन ऐसा है जो बन के आएगा। ये जितनी बड़ी बालकनी है आपकी, ठीक है, और 99% अप्रोक्स उतना आएगा। ठीक है ना, तो फिर वो पानी का दिक्कत आएगी नहीं। सर कल से पुरवानी शुरू कर दिया है, तो उसमें अलग अलग उसके फोटो होते हैं क्या इलेक्ट्रिकल उसके? पता है मुझे वहां लग चुका है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मुझे मुझे मेरी नॉलेज में है और मैं इसी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने PCI इसका सबसे बड़ा इलाज होता है, ये PCI वाले करते हैं, पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको मारने के लिए बैन किया हुआ है, तो हमें देसी आदमी को पकड़ के काम करवाना पड़ रहा है, समझ रहे? तो मतलब ये हमारे हाथ का रहेगा ना, क्योंकि हम लीगली नहीं कर पा रहे इस काम को। ठीक है, लेकिन कल से हमारा काम शुरू हो चुका है, 15 नंबर टावर का हमने किया भी है, बट अभी वहां से खत्म नहीं हुई है, ये 3 दिन में जाती हैं। ठीक है ना, छत्ता टूट चुका है लेकिन मक्खियां वही हैं अभी, तो 3 दिन में वहां से हटेंगी ऐसे एक एक। जी बिल्कुल सर, मेरी नॉलेज में, मैं उसको करवा रहा हूँ। ठीक है ना जी, बिल आ गया तो इसका आ गया तो ठीक है। एक तो मेरे को तो आज फोन ने नहीं छोड़ रखा, एक मेरे को मैंने ये बना के देना है गुप्ता जी को, मैं वो भी बना पाया सैंपल देख लिया मैंने। दूसरा सैंपल कहाँ है? दो बोले थे ना। हेलो ये तुमने यार नए नंबर से फोन कर दिया, अच्छा आज ये सेव होएगा। टावर 8 104 प्रतिशत तक भी देख सकते हैं ना, तो वो अगर शिफ्ट करना चाहेंगे ना मैं वो तो ठीक है, मैं समझ गया सीलन की प्रॉब्लम जो है, मुझे पता है नॉलेज में है, मैं कह रहा हूँ सीलन को सूखने में थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, भेजो आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। उसमें मटेरियल कैलकुलेशन भी हो जाती है पूरी आई थी, वो दूसरा सॉफ्टवेयर है। जीने तो दे लो मुझे, इसमें पूरी थ्री कमांड चल रहा है, जूम करो जेड कमांड दो, इसमें जूम कमांड है, आ रही है क्या? हां कर दी है,
कैसे कर दी होगी कंट्रोल जेड जेड ई डबल एंटर ना दिस इज मुझे नहीं आता तुमने गलत डायरेक्शन दे दी ना इसको जेड ई डबल एंटर नहीं जूम जेड कमांड देते हैं एंटर मारते हैं फिर 0.01x करोगे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा मतलब आपको बहुत बड़ा प्लॉट मिल जाएगा ठीक है ये करना था आपको अब इसको कैंसिल करने के लिए जो कुछ नहीं करो अब तो हो गई होगी आइंदा के लिए ध्यान रखना अब आपके पास ऑफसेट कमांड चलेगी अब मेरे को सबसे बड़ी समस्या यही है ना इसमें वो नहीं आ रहा मेरे पास सेटिंग का अब मुझे आपको ये मीटर्स में चल रही है ड्राइंग आप लिखना है तो यूनिट लिखो यूनिट लिखो लिखना है क्योंकि कहाँ लिखना होता है टाइप करो सिर्फ यही पे करूँ बस उसे क्लिक जरूर कर दो वही तो पूछ रहा हूँ एस्केप करो से पहले क्लिक कुछ नहीं करना डायरेक्ट जो लिखना है बस अच्छा यूनिट एंटर और ये कुछ चूज करनी क्या ड्रॉप डाउन आ गई भाई यूनिट यूनिट एंटर मार दो चला यूनिट तो नहीं है यूनिट लिखा था कुछ और लिखा था सब कुछ बता दूं एक दिन में सारी कमांड बता दूं अभी लाइन कमांड पे हो तुम लाइन कमांड के बाद जो कमांड की जरूरत है वो बताऊंगा ना ठीक है डिलीट पहले पर सीख लो यूनिट यूनिट मूव यूनिट इंसेंड यूनिट यूनिट्स पे जाना यूनिट्स पे करो खुला यहां पर आया डेसिमल 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 का मतलब यह है कि मैट्रिक्स में चल रही है अब ये देखो यहाँ नीचे इंची जा रहा है इंचीज तो नहीं आएगा ना यहाँ यहाँ क्या आएगा मीटर मिलीमीटर आ सकता है मीटर आ सकता है सेंटीमीटर आ सकता है मिलीमीटर मिलीमीटर डालो हाँ ठीक हो गया ओके हाँ बिल्कुल ओके कर दो करेक्ट अब ऑफसेट दीजिए कमांड दीजिए ऑफसेट जी अरे वहां कहीं होगी कमांड ढूंढो तुमको तो यहीं से चलने का आदत है ना खाली मैं कमांड ढूंढते करो मुझे नहीं आती भाई ऐसी चीजें काम करने ऑफसेट कमांड दो सीधा ओ एंटर देखने को भी तैयार नहीं है एस्केप करो जब ओ करा कुछ खुला अच्छा इसमें आ रहा है ओपन ऑफसेट तुम्हें तो ऑफसेट लेना ना हाँ ठीक है ऑफसेट कमांड दो ऊपर लिया बस एंटर ये आ गया हाँ। क्या मांग रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रू या तो आप डिस्टेंस लिखिए इसमें कितना डिस्टेंस जाना है या फिर आप थ्रू कर दो ठीक है ना आप डायरेक्शन दे दोगे कि भाई इधर क्लिक कर दिया तो उतना ही ऑफसेट मार दो तो भी आपको डायमेंशन भरनी है क्योंकि आपको पता होना है कि डायमेंशन कितनी है ठीक है क्या डायमेंशन भरोगे बताओ कुछ भी बता दो अब जैसे ब्रिक वर्क है हम ब्रिक वर्क करते हैं 230 की होती है 115 की होती है कोई भी डायमेंशन भर दो भरो लिख दो सीधा हाँ जी बिल्कुल लिखना है एंटर ठीक है अब ये क्या कर रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट जो अब ये है अब इसको सिलेक्ट करेंगे और जिधर की तरफ आपको ऑफसेट लेना है उधर की तरफ उसको क्लिक कर देंगे करिए यहाँ पे क्लिक करो क्यों पहले लाइन पे क्लिक करोगे ना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे ना करो ये अब किधर की तरफ देना है बाहर या अंदर ठीक है करो अंदर करो ठीक है एंटर करो हाँ क्या है इसी से क्लिक करो ठीक है कर दिया अब इधर वाली भी करो ये वाली हाँ इधर की तरफ करो कर दो क्लिक बस अब जूम एक्सटेंड करो एस्केप करो अब जेड जेड एंटर जूम एंटर ई ई हाँ एंटर ये आया आपका ये एक लाइन है आपकी 230 ये है और यहाँ से 230 ये है अच्छा ठीक है अब क्या होना चाहिए अभी तो फंस गए आप 230 बाई 230 का बॉक्स बन गया तो आप क्लिक कीजिए किसी भी उस पर क्लिक करिए हो गया अपना 230 ये हो गया 230 बॉक्स इस बात को क्लिक करिए अरे इसको क्यों क्लिक करो लाइन को क्लिक करो ये अब इसका एक ये पॉइंट पकड़िए ये
देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइन है ना आपकी, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको पकड़ूंगा, स्ट्रेच कमांड मैंने खींच दिया, ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैं इसे पकड़ूंगा और इससे मैं इसको खींच दूंगा आगे, ठीक है, लंबी होगी इससे, ठीक है, अब जूम एक्सटेंड दोबारा कर दिया, ठीक है, अब आपने ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 230 पे, 230 ये है, 230 ये है, ठीक है, अभी भी फ्लिट तो होगी नहीं है, इसको भी खींचिए आप, इसको भी आगे कर दीजिए, ये स्ट्रेच कमांड है, ठीक है, स्ट्रेच हो गया, ठीक है, एक तो स्ट्रेच कमांड, दूसरा भी होता है एस स्ट्रेच, ठीक है, इसको यहाँ करके सिलेक्ट करना होगा और इसको आगे पीछे छोटा बड़ा जो भी करना कर सकते हैं, ठीक है, अब इसके बाद चलती है फ्लिट कमांड, एफ एफ फ्लिट कमांड, फ्लिट कमांड का मतलब दो लाइनों को आपस में जोड़ना है, फ्लिट करना है, ठीक है, ठीक है, ये एक क्लिक की, ठीक है, ये दूसरी क्लिक की, ठीक है, ये सब मिल गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मैं अंडू करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया, फिर फ्लिट कमांड, अगर आपको इधर करनी थी जो ये गायब करनी थी लाइन, तो आपने यहाँ और यहाँ क्लिक किया, ठीक है, अगर आपको ये गायब करनी है तो यहाँ और यहाँ क्लिक, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, अब आप फ्लिट कमांड चलाओ, तो कहाँ से करनी है, ये दीवार है ना, ये दीवार है ना, तो कहाँ से करोगे, ये रिमूव करनी पीछे वाली हमने, हाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ्लिट कमांड देना, अब चलाओ, अब चल जाता है, अरे एस्केप करो, कमांड दो, ये होगी, ये इसको क्लिक क्यों कर रखा है आपने, एस्केप करो, क्यों क्लिक कर रहे हो, आप तो कमांड दो सीधा, सीधा कमांड देनी है, हाँ अब एंटर मारो, अब क्लिक करो, अच्छा दोनों लाइनों को क्लिक करना पड़ेगा यहाँ, फिर दोबारा कमांड, तो नहीं कुछ नहीं करना, अच्छा दूसरी लाइन पे क्लिक करो, ठीक है हो गया, अच्छा एक बार पहले कमांड देनी है फिर वहां सेलेक्ट करना है और सेकंड में उसको फिर दोबारा सेलेक्ट करना है, तो आज की टीचिंग इतनी है, इसे ज्यादा नहीं है, ठीक है, पूछो क्यों, लाइन कमांड आपके पास आ गई, लाइन चलाओ, ऑफसेट कमांड आपके पास आ गई, ऑफसेट चलाओ, ठीक है, ठीक है, इसको एक कमरा बनाओ, ठीक है, बन जाएगा ना इस पर, बना दो कमरा, तो इस पर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ तुमको, तुम एक कमरा बनाओ पहले, चलो फिर बताऊंगा, कमरे का कोई भी साइड पकड़ लो, इसको पूरा रिमूव कर दूं, ये इसी को बनाओ, इसमें कमरा बनाने में क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास ऑफसेट कमांड है ना, जो साइज चाहिए कमरे का अंदर अंदर वो साइज दे लो, इसे इसको क्यों उंगली कर रहे हो ये बताओ, आज सिगरेट बहुत ज्यादा हो गई भाई, आज मेरी सिगरेट वापिस आ गई, ऐसे लग रहा है वापिस आ गई मेरे अंदर, इसे इसे क्लिक करने की जरूरत, कमांड चलानी है आपने, कमांड कमांड कौन कौन सी बताइए आपको, अगर कमरे का साइज बनाना है तो कैसे बनाना है, एक बार ऑफसेट मान लो मुझे एक तरफ 3 मीटर की डायमेंशन चाहिए, ठीक है, मैंने 3 मीटर की डायमेंशन भर दी और ये कर दिया, ठीक है, एक तरफ मुझे डायमेंशन चाहिए 5 मीटर की, मैंने, ठीक है, 5 मीटर की डायमेंशन भर दी, ठीक है, ये आ गई, अब मैं कमरा बनाऊंगा, ये फ्लिट कमांड चला रहा हूँ मैं, ठीक है, ये फ्लिट कमांड चला दिया, ठीक है, ऑफसेट कमांड फिर वापस आ गया 230, अब फिर फ्लिट कमांड चलाऊंगा, ये करेक्ट, ठीक है, अब मुझे इसमें दरवाजा निकालना है, मैं क्या करूंगा, मैं कमांड चलाऊंगा एक्सटेंड कमांड, क्या कमांड, एक्सटेंड, ये क्लिक किया, एंटर किया, इसको आगे बढ़ा दिया, एस्केप कर दिया,
ये लाइन यहाँ जोड़ दी, अब मैं दरवाजा निकालूंगा इसमें ऑफसेट 1200, मैं यहाँ से ये ऑफसेट लिया ये डाल दिया। अब क्योंकि ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, मुझे दरवाजा जब निकलेगा ये मिटेगी, तो एक कमांड होती है ट्रिम, ट्रिम कमांड चलाऊंगा, ठीक है, डबल एंटर मारूंगा, ये उड़ा दूंगा, ये उड़ा दूंगा, ये कमरा बन गया। ट्रिम कमांड के बाद डबल एंटर, हाँ अच्छा ये हो गया, ठीक है निकल गया। ऐसे ही अब मुझे मान लो इसमें खिड़की भी बनानी है। अच्छा लेट सपोज अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम एक स्टेप बैक कैसे जाएंगे? कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है। अभी इसमें रीडो, रीडो भी है, रीडो के लिए क्या है, अंडू कहाँ है भाई, ये रहा, ये अंडू है और ये रीडो है, ठीक है। अब मुझे मान लो इसमें खिड़की बनानी है, मैं ये लिया, हेलो जी 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 बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तरुण का एड्रेस क्या है? तरुण, तरुण का नंबर होना चाहिए मेरे पास, तरुण ये तो 304 नंबर है ना इनका फ्लैट नंबर, नया नंबर से फोन कर दिया, अगर एक फ्लैट मेरे पास और फिगर करूँगा। इतनी चीजें क्या सेलेक्ट कर ली? छोड़ो बता दूंगा तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी। ऑफसेट मुझे मान लो 6 फुट की वो लेनी खिड़की, तो सेंट्रल ले लिया मैंने 900 900, दोनों तरफ ऑफसेट मारूंगा, ठीक है, ठीक है। इरेज कमांड ई, ठीक है, बीच का डाल दिया, ट्रिम कमांड टी आर, ये ठीक है, लाइन लाइन, ठीक है, कॉपी, कमरा बन गया, ठीक है। अब इस तरीके से कमरा बनाओ आप। अब क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, तुमको कुछ भी समझ आया नहीं होगा, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग पर लगा रखा ना, रिकॉर्डिंग देखूंगा, रिकॉर्डिंग देखोगे और क्या, मतलब ओवर स्मार्ट भी हो, वेरी गुड। तुमको चाहिए था एक पैड लेके बैठते हैं कमांड, अब तुम रिकॉर्डिंग से चलो, उधर रिकॉर्डिंग से चलो, रिकॉर्डिंग से पकड़ नहीं आएगा, कमांड्स लिखनी पड़ेगी।